नमस्कार, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की एक खबर पर। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति जमशेदपुर के नई समिति के गठन को लेकर 10 सितंबर को चुनाव होना है। इसे लेकर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कपिल हुई एवं उनकी टीम ने आज मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने दूसरे पक्ष पर जमकर निशाना साधा। जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, उसका मुख्य जो मुद्दा है वो असंवैधानिक तरीके से लगातार संस्था के महासचिव राम बाबू सिंह 14 अगस्त को और फिर 3 सितंबर को वो चुनाव कराना चाहते थे, जिसको हम लोगों ने रोका। सभी दुर्गा पूजा समितियों के संपर्क से, सबके सहयोग से, उनके द्वारा जो असंवैधानिक तरीके से जो चुनाव कराया जा रहा था उसको हम लोगों ने रोका। इसलिए रोका कि हम लोग चाहते थे कि समिति में गबन हुआ है, लाखों रुपया का गबन हुआ है, उसकी जांच हो फिर चुनाव हो। लेकिन राम बाबू सिंह पिछले 24 सालों से हमारे समिति में, केंद्रीय समिति में महासचिव के पद पर रहते हुए मनमानी करते रहे। अगर आप गबन की बात करें, अगर आप नियम की बात करें तो आपको वो निकाल देते थे। इसी बीच SDM जमशेदपुर, जिला प्रशासन के मध्यस्थता से, बातों से ये तय हुआ कि दोनों पक्ष मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि उनका ये सोच था कि अरुण सिंह हो या कोई और हो चुनाव ही नहीं लड़े, और जो उनके पैकेट की टीम थी उसको फिर से वो मनोनीत करना चाहते थे। अब ये तय हुआ है कि चुनाव जो है 10 तारीख को सितगोड़ा टाउन हॉल में शाम के 5 बजे होगा। दोनों पक्ष अपने अपने 11 सदस्यों का नॉमिनेशन करेंगे, और जो भी दुर्गा पूजा समिति, जो 334 दुर्गा पूजा समिति है, जो केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति से 24 से अटैच है, वो इसमें भाग लेगी। और उम्मीद है हम सबों को कि जो हम लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो संवैधानिक तरीके से इस संगठन को चलाना चाहते हैं, क्योंकि 100 साल पुरानी संस्था है, जमशेदपुर की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी संस्था में से एक संस्था जमशेदपुर दुर्गा पूजा समिति है, उसको हम लोग बचाना चाहते हैं। एक व्यक्ति का जो वर्चस्व, राम बाबू सिंह जी का जो वर्चस्व है, उस वर्चस्व से तंग आकर हम लोगों ने ये फैसला लिया कि संवैधानिक अपना एक नया टीम इसमें उतारे हम लोग, ताकि उनका मनमाने। आप लोग देखे होंगे कि राम बाबू सिंह महासचिव हैं, लेकिन जो आज चिट्ठी बांट रहे हैं वो सचिव के पद से बांट रहे हैं, तो कभी वो समिति में सचिव बन जाते हैं, कभी समिति में महासचिव बन जाते हैं। जो पैसा का मामला है, जो 300 रुपया हम लोग सभी दुर्गा पूजा समिति से रहे हैं, इसका एक बैंक अकाउंट है, जो 2017-18 में जो समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ, उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो बैंक अकाउंट खोला उसमें पैसा नहीं जाता है। तो सारी चीज़ों पे हम लोग ने ये तय किया है, और हम लोग की तरफ से कपिल हुई जो है अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। आपके माध्यम से सभी दुर्गा पूजा समितियों से हम अपील करना चाहते हैं, ताकि ये भारी से भारी मतों से हमारे अध्यक्ष कपिल हुई को विजयी बनाए।